1947 की आजादी की हवा में किस फिल्म ने इंडियन इंडस्ट्री को संभाले रखा, कौन थे मिर्जा साहिबान और इनकी स्टोरी क्यों हर दशक में सुनाई जाती है, किस तरीके से डायरेक्टर ने इनकी कहानी को बड़े पर्दे पर बनाया। स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी फिल्म की जो अपने आप में बहुत आइकॉनिक है और इनकी जो लव स्टोरी है वो हर जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है। और जब भी लव स्टोरी की बात होती है ना, जैसे कि हीर रांझा, रोमियो जूलियट, वैसे ही हमेशा मिर्जा साहिबान की भी बात होती है। लेकिन मिर्जा साहिबान कौन थे और क्या थी इनकी कहानी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि 1947 की आज़ादी में जब इंडिया के टुकड़े हो रहे थे और इस आज़ादी के बीच में 114 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, तो कौन कौन सी थी वो फिल्म। गहना, दो भाई, मिर्जा साहिबान, ये सारी फिल्मों ने अपनी जगह बनाई। और इन फिल्मों में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, उस जमाने का संगीत। आपको बता दूं कि 10-10 गाने एक फिल्म में ऐड किए जाते थे, लेकिन गहना में सिर्फ और सिर्फ 9 गाने थे। तो चलिए डिटेल्स में बाद में जाएंगे, पहले बात करते हैं कि मिर्जा साहिबान में कौन कौन कलाकार दिखाई दिया था। इस फिल्म में आइकॉनिक मल्टी टैलेंटेड नूर जहां कास्ट हुई थी, इसके अलावा त्रिलोक कपूर भी नजर आए थे। अब बात करते हैं कि 1947 में इस फिल्म की ऐसी क्या कहानी थी जो टॉप 5 में आ गई और इस फिल्म ने इतना बिजनेस क्यों किया था। आपको बता दूं कि पंजाब में मिर्जा साहिबान रहा करते थे जो कि बहुत छोटे छोटे उम्र के थे, एक ही गांव और दूसरे गांव में रहा करते थे। मिर्जा के जो पेरेंट्स होते हैं वो भेज देते हैं मिर्जा को साहिबान के घर पढ़ने के लिए, और उनकी फैमिली जो पेरेंट्स होते हैं साहिबान के, सिर्फ फादर, वो थोड़ी सी आपत्ति करते हैं कि उनको नहीं रखना चाहिए। लेकिन और सारे जितने भी लोग होते हैं मिर्जा को बहुत ही प्यार से रखते हैं। और फिर जब ये धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं, इनमें दोस्ती हो जाती है और एक क्लासमेट तो ये दोनों होते ही हैं। इसके बाद जब ये बड़े हुए तो मिर्जा तीरंदाजी में और साहिबान खूबसूरती में टॉप कर चुकी थी। आपको बता दूं कि हर जगह जिक्र होता था साहिबान की खूबसूरती का। इसी की खूबसूरती के चक्कर में मिर्जा जो अपना दिल दे बैठते हैं साहिबान को, और इन दोनों को फिर एक मौका ऐसा आता है कि दोनों को प्यार हो जाता है। लेकिन जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं ट्विस्ट आता है, वैसे ही इनकी ज़िंदगी में भी ट्विस्ट आता है। घर वालों को पता चल जाता है और इसके बाद जो घर वाले करते हैं वो बहुत ही आम है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल है कि मिर्जा को घर भिजवा देते हैं अपने घर और साहिबान की शादी तय कर देते हैं। तो जब ये बात अपने हीरो को पता चलती है मिर्जा को, तो वो अपना घोड़ा लेता है और साहिबान के घर की तरफ चला जाता है। वहाँ पर साहिबान लाल सुर्ख जोड़े में बैठी होती है और उनके हाथों में मेहंदी लगी होती है, लेकिन जब वो मिर्जा को देखती है तो वो किसी तरीके से अपने आप को रोक नहीं पाती और मोहब्बत में चूर होने के बाद वो मिर्जा के साथ भाग जाती है। जब साहिबान के जो भाई होते हैं वो देखते हैं कि साहिबान बहुत टाइम से नज़र नहीं आ रही है, तब उनको पता चलता है कि वो मिर्जा के साथ भाग गई है। वहीं पर मिर्जा और साहिबान बहुत दूर निकल आते हैं और सफ़र तय करते करते मिर्जा थक जाता है और वो साहिबान से कहता है कि मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, जबकि साहिबान ये बात कहती है कि तुम्हें अभी नहीं सोना चाहिए, डेंजर है। जिसके बाद मिर्जा सोने चला जाता है और इतने ही देर में साहिबान सोचती है कि मिर्जा सो रहा है, क्यों ना मैं इसके तीर तोड़ दूं, क्योंकि मिर्जा जो तीरंदाजी में बहुत ही टॉपर है और अगर भाई आ जाते हैं तो ये सारे भाइयों को मार देगा, और भाइयों की रही बात तो मैं भाइयों को मना लूँगी, उनके पैरों पर गिर जाऊँगी और वो अपनी बहन की खुशियों को समझेंगे। लेकिन जब भाई आते हैं तो वो ना इधर सुनते हैं ना उधर सुनते हैं, और ये उसकी बहुत बड़ी भूल होती है कि तो वो वहाँ से तीर अंदाजी करना शुरू कर देते हैं और एक तीर साहिबान नहीं मिर्ज़ा के पेट पर लगता है। और मिर्ज़ा जब तक अपने तीर समेटता देखता तो देखता है कि उसके तीर टूटे हुए हैं। वहाँ पर मिर्ज़ा को धोखा लगता है कि साहिबान ने उसको धोखा दिया है, और जो साहिबान होती है वो मिर्जा को कवर करने की कोशिश करती है ताकि तीर उसके ऊपर ना लग जाए, और इतने में दोनों के तीर लगते हैं और दोनों ही उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। और इन दोनों के मरने से इन दोनों की लव स्टोरी जो होती है वो अमर हो जाती है। और इसी कहानी को डायरेक्टर ने इस बड़े पर्दे पर भी उतारा है, जिसको 1947 में लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा, उनके प्यार को सराहा, उनको सिंपथी दी। लेकिन जब भी बात आती है हमारे खुद की सोसाइटी में और हमारे खुद के समाज में तो लोग अक्सर कतराया करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमारा समाज कभी इतना प्रोग्रेसिव होगा कि लव को एज अ कोविड-19 नहीं प्यार के तरीके ही देखेगा, उसको बीमारी के रूप में नहीं उसको प्यार के रूप में देखेगा और उसकी इज्जत करेगा। आपको क्या लगता है बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
फिलहाल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से हिट साबित हुई। इस फिल्म ने 1947 में इतना बिजनेस किया जितना और फिल्म आने वाले सालों में कभी नहीं कर पाई। और मिर्जा साहिबान ने ये भी बता दिया फिल्म मेकर्स मेकर्स को कि लव स्टोरी फिल्म को किस तरीके से अच्छा बिजनेस दिलाती हैं। और आज तक 1947 से लेकर अभी तक कितनी लव स्टोरी हमें हर साल देखने को मिलती हैं। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रीडिंग जाने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को, जहाँ पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।